नमस्कार दोस्तों, 5 मिनट गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के आराम से धूप के अंदर बैठ जाएंगे। सर्दियों की सुहावनी सुहावनी सी धूप होती है और इसमें मन करता है सब कुछ करने के लिए, यानी कि सूर्य हमारा एक ऊर्जा का स्रोत होता है। अगर उसकी धूप में बैठ करके हम जाप करेंगे ना, तो इसका लाभ अप्रतिम होता है। तो आज करने वाले हम 5 मिनट गायत्री मंत्र का जाप, तो लगाएंगे ध्यान मुद्रा और हमारे साथ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ऐसे दोस्तों, आप अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के गायत्री मंत्र का 5 मिनट लगभग जाप कर सकते हो। गायत्री मंत्र का जो मैंने अपने जीवन के अंदर लाभ अनुभव किया ना, वो यही है कि जब हम कभी भी गायत्री मंत्र करते हैं ना, तो हमको ना आइडियाज़ बहुत अच्छे आते हैं। ऐसे आइडियाज़ आते हैं जो हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आपने प्रतिदिन सुबह गायत्री मंत्र करना शुरू कर दिया ना, तो अपने जीवन में वो चमत्कार अनुभव करोगे जो आपने कभी जीवन में अनुभव भी ना किए हो। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे, करने के पीछे यही मकसद था कि अपना भी जाप हो जाए और आपको करवा भी दिया जाए। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना। अब हम आपसे आज्ञा मांगते हैं, मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर नई वीडियो में। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।